हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन पर। सो आज के शुरू में हम बात करते हैं मेकार्डी कैप्सूल के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बात करते हैं मेकार्डी कैप्सूल के बारे में। मेकार्डी कैप्सूल एक 10 गोली का स्टेप आता है, जिसकी MRP लगभग 122 रुपए के समथिंग आती है। मेकार्डी कैप्सूल एक कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। अब हम इसके यूज के बारे में बात करते हैं। तो मेकार्डी कैप्सूल में डोमपेरिडोन 30 mg प्लस राबेप्राजोल 20 mg ड्रग होता है। मेकार्डी कैप्सूल एक सीनियर एवं कॉम्बिनेशन दवा है, जिसका इस्तेमाल अपच के लक्षणों जैसे हार्ट बंद, पेट में दर्द या जलन, गैस बनना जैसे लक्षणों से राहत देकर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टिक अल्सर डिजीज का इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एसिड को भी बेअसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस को आसानी से पास होने में मदद करता है। मेकार्डी कैप्सूल एक डॉक्टर की जानकारी के द्वारा दिया जाने वाला एक कैप्सूल होता है। इसे आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हो। मेकार्डी कैप्सूल का नॉर्मल डोज दिन में 2 बार होता है। अगर थोड़ी समस्या नॉर्मल समस्या है तो आप इसका डोज 1 बार भी ले सकते हो। अगर आपके पेट में अगर जलन, गैस बनना, ऐसी कुछ समस्या है पेट से रिलेटेड, तो आप मेकार्डी कैप्सूल ले सकते हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। इसका नॉर्मल डोज 2 बार होता है। अगर कम समस्या है तो 1 बार ही ले, खाने से पहले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि पेट में उत्पादित गैस खाने से पहले ही हो सकता है। मेकार्डी कैप्सूल में कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि पेट में जलन, भूखने लगना, आंखों में बाहर सिर चकराना आदि। मेकार्डी कैप्सूल आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी। मेकार्डी कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें। मेकार्डी कैप्सूल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो। थैंक यू दोस्तों।